नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एससी ईस्ट बंगाल एफसी से जुड़े लेटेस्ट ट्रांसफर न्यूज़ के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, एससी ईस्ट बंगाल एफसी का प्रदर्शन इस साल बहुत ज़्यादा ख़राब है और बहुत ज़्यादा ख़राब होते ही जा रहा है। तो इसी कारण दोस्तों, मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि कुछ इंडियन प्लेयर को साइन करवाएगी एससी ईस्ट बंगाल एफसी। ऐसा मैंने आपको 2-3 हफ्ते पहले भी बताया था कि एससी ईस्ट बंगाल एफसी नए इंडियन प्लेयर्स को अपनी टीम में साइन करवा सकती है, चाहे वो लोन पर ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, वीडियो में आगे मैं बात करूंगा इसको लेकर फुल डिटेल्स में, लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बात करने से पहले मैं आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, अमेज़न लेकर आया है आप सबके लिए एक बहुत ही बड़ा मौका, जहां पर आप ब्रांडेड चीजें बहुत ज्यादा कम दामों में शॉपिंग कर सकते हो। तो जैसे कि आप बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, पीएसजी, इन जैसी बड़ी टीमों का जर्सी आप बहुत ज्यादा कम दामों में शॉपिंग कर सकते हो। और दोस्तों, फुटबॉल बूट्स, जर्सी, फुटबॉल से रिलेटेड सारी चीजें अगर आप शॉपिंग करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, बहुत ही बढ़िया ऑफर चल रहा है। तो दोस्तों, बिल्कुल ब्रांडेड जर्सी बूट्स आपको मिल जाएगी, अमेजोन पर अवेलेबल है और आप ऑनलाइन इसे बाई कर सकते हो। और दोस्तों, अभी आप शॉपिंग करना चाहते हो तो इन सारी प्रोडक्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट शॉपिंग कर सकते हो। तो दोस्तों, अमेज़न पर बहुत ही बड़ा ऑफर चल रहा है और आप इस ऑफर को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि फुटबॉल से रिलेटेड बहुत सारी किट्स आपको बहुत ही अच्छे डिस्काउंट में मिल जाएगा। तो इन सारी प्रोडक्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगा, आप वहां से डायरेक्ट शॉपिंग कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों, एससी ईस्ट बंगाल एफसी के परफॉर्मेंस के बारे में बात ना ही किया जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि दोस्तों उनका परफॉर्मेंस दिन पर दिन ख़राब होते ही जा रहा है और मुझे लगता है इसका मेन रीज़न है प्लेयर्स का इंजरी और ऑफ फॉर्म। तो इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो इसके कारण दोस्तों, एससी ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि 2 या फिर 3 इंडियन प्लेयर्स को साइन करवाया जाएगा। तो दोस्तों, ये बात मैंने आप सभी को 2-3 हफ्ते पहले बताया था कि एससी ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट टारगेट कर सकती है 2 या फिर 3 यंग इंडियन मिडफील्डर्स या फिर यंग इंडियन प्लेयर्स को। तो दोस्तों, उसी को लेकर बिग अपडेट आया है एससी ईस्ट बंगाल एफसी के तरफ से। और दोस्तों, एससी ईस्ट बंगाल एफसी का जो मेन प्रॉब्लम था वो था दोस्तों स्ट्राइकर का, लेकिन अभी मार्सेलो को एससी ईस्ट बंगाल एफसी ने लोन पर साइन करवाया है। हालांकि मार्सेलो ने अभी तक एक ही मैच खेला है तो अभी भी हम कुछ कह नहीं सकते। तो स्ट्राइकर के लिए तो एससी ईस्ट बंगाल एफसी ने एक प्लेयर को साइन करवा लिया है, वो है मार्सेलो। तो उनका मेन प्रॉब्लम है अभी फुल बैक और मिडफील्ड। तो इसी 2 पोजीशन के लिए अभी एससी ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट टारगेट में है कि इंडियन प्लेयर को साइन करवाया जाएगा। तो दोस्तों, पहला अपडेट है मोनोतोस चकलादार को लेकर। तो मोनोतोस चकलादार को एससी ईस्ट बंगाल एफसी अपने टीम में साइन करवाना चाहती है, लेकिन मदन महाराज एफसी के साथ अभी भी कॉन्ट्रैक्टेड है मोनोतोस चकलादार। तो सुना जा रहा है कि ये डील लोन पर हो सकता है। तो मोनोतोस चकलादार का उम्र दोस्तों 23 साल है और लेफ्ट बैक के ये खिलाड़ी है। तो हीरा मंडल के अलावा अभी एससी ईस्ट बंगाल एफसी के स्क्वाड में कोई भी और लेफ्ट बैक मौजूद नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, मोनोतोस चकलादार के ऊपर एससी ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और दोस्तों, सुना जा रहा है कि मदन महाराज एफसी मैनेजमेंट और साथ ही एससी ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट के साथ बातचीत कंप्लीट हो चुका है। तो हमें इंतज़ार रहेगा कि मोनोतोस कब तक साइन करते हैं एससी ईस्ट बंगाल एफसी में। तो दोस्तों, इससे पहले भी मोनोतोस एससी ईस्ट बंगाल एफसी के लिए खेल चुके हैं, तो हमें ऑफिशियल कन्फर्मेशन का इंतज़ार रहेगा। लेकिन दोस्तों, बातचीत काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, ऐसा ही खबर है। तो चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, दूसरा अपडेट है ज्वेल राजा को लेकर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है ईस्ट बंगाल एफसी का मिडफील्ड अभी कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो इसीलिए दोस्तों, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट ने टारगेट किया है ज्वेल राजा को, क्योंकि दोस्तों ज्वेल राजा के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। क्योंकि दोस्तों, अभी इनका उम्र 32 साल है और ये मोहन बगान एफसी, गोवा, पुणे सिटी एफसी, इन जैसे बड़े क्लबों के लिए खेल चुके हैं। तो दोस्तों, ज्वेल राजा के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए दोस्तों ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट ने इनको टारगेट किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्वेल राजा अभी विदाउट क्लब है, तो ईस्ट बंगाल एफसी को ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि इनको अपने टीम में साइन करवाने के लिए लोन डील या फिर कुछ ट्रांसफर फी देना पड़े। तो इसीलिए दोस्तों, ज्वेल राजा का बहुत ज़्यादा चांस है कि वो ईस्ट बंगाल एफसी में साइन कर दे, और साइन करना भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ईस्ट बंगाल एफसी का मिडफील्ड का हालत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए दोस्तों, ज्वेल राजा बहुत ही अच्छे खिलाड़ी साबित हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं तीसरे अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, तीसरा अपडेट है अविनाश रुईदास को लेकर। तो सुना जा रहा है कि एससी ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट अविनाश को अपने टीम में साइन करवाना चाहती है, लेकिन मदन महाराज एफसी के साथ अविनाश का कॉन्ट्रैक्ट है मई तक का,
यानी इसी साल मई के महीने में अविनाश का कॉन्ट्रैक्ट मदन महाराज एफसी के साथ ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों ये डील लोन पर कंफर्म होगा। तो मदन महाराज एफसी राजी हो चुकी है, ऐसा सुना जा रहा है कि अविनाश रोहिदास को लोन डील पर एससी ईस्ट बंगाल एफसी के लिए साइन करने के लिए दे। लेकिन दोस्तों अभी भी बातचीत चल रहा है, इसके बारे में कुछ कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन दोस्तों ये डील पक्का हो सकता है। ऐसा बहुत ज़्यादा चांस है कि अविनाश रोहिदास एससी ईस्ट बंगाल एफसी में वापसी करे। तो दोस्तों इससे पहले भी अविनाश रोहिदास एससी ईस्ट बंगाल एफसी के लिए खेल चुके हैं, तो अगर अविनाश रोहिदास फिर से साइन करते हैं तो फिर से उनकी एससी ईस्ट बंगाल एफसी के जर्सी में वापसी होगी। लेकिन दोस्तों अभी तक कुछ भी कन्फर्म नहीं बताया जा सकता कि अविनाश रोहिदास एससी ईस्ट बंगाल एफसी में साइन करेंगे या फिर नहीं, लेकिन दोस्तों ये डील पक्का हो सकता है। बातचीत अभी जारी है एससी ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट और साथ ही मदन महाराज एफसी मैनेजमेंट के साथ। तो चलिए दोस्तों फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। तो चलिए दोस्तों अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।